अपने बेटे युवराज के साथ पद्मा की शादी करवा दीजिए। डिवोर्स पेपर पे पहले से साइन करवा लीजिएगा और डिवोर्स के बाद अगर लड़की गायब भी हो गई तुम शादी के लिए हाँ कर दो। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एडवोकेट अंजलि अवस्थी के नए एपिसोड की, जहां कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आया है। इस बार की कहानी में अमन के जीवन का सबसे बड़ा राज सबके सामने आया है और ये जानकर आप सब चौंक जाएंगे कि आखिरकार ये राज क्या है। बताइए ना क्या हुआ है पापा। पापा बोलिए ना, पापा प्लीज बोलिए क्या हुआ है पापा। तू इस मत लड़, जेबी मत लड़, तू इस तू पीछे हट जा, तू मत लड़ बेटा, तू मत लड़। नहीं पापा, मैं तो ये केस लड़ूंगी कि वो अगर तेरे पापा को निमंत्रण देना चाहते हैं। तो चलिए विस्तार में बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में और जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अभय अमन से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का सच्चा प्यार कौन है। ये सवाल न सिर्फ अमन को सोच में डाल देता है बल्कि दर्शकों को भी उत्साहित कर देता है। तो खुद फोन करके निमंत्रण दे, वरना उस घर में हम तो क्या, हमारी अर्थी भी नहीं जाएगी। आगे चल क्या रहा है? अमन, तेरी शादी तय हो चुकी है, कार्ड्स छप चुके हैं, क्लोज फ्रेंड्स को ई कार्ड भेज दिया गया है। समझता है तू फैमिली के प्रति तेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं? अमन का चेहरा इस सवाल को सुनकर पूरी तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखों में उभरते भाव साफ बताते हैं कि सवाल का जवाब उसके दिल में कहीं गहराई में छुपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमन अभय को इस सवाल का सच्चा जवाब देगा? क्या वो अपने दिल की बात कह पाएगा या फिर कोई और राज सामने आएगा? अभय का ये सवाल कहानी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है, क्योंकि इससे न सिर्फ अमन के दिल की सच्चाई सामने आएगी बल्कि उसके और अंजलि के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, अंजलि का इस पूरे मामले में क्या रुख होगा। क्या अंजलि को पहले से इस बारे में कोई अंदाजा था या फिर वो इस सवाल से उतनी ही हैरान होगी जितने की दर्शक है? और अमन ने किसी और को अपना प्यार बताया तो अंजलि का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी या फिर उनके रिश्तों में दरार आ जाएगी? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अमन अपनी दिल की सच्चाई सबको बताएगा या फिर कोई और कहानी सामने आएगी? और अंजलि इस पर क्या रिएक्शन दे सकती है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।